हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपने आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप देखेंगे तो हमने चार चार स्टॉक्स में कितना अच्छा मुनाफा कमाया। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट के स्टॉक्स देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले अपने निफ्टी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भी हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। सुबह तक तो ये अराउंड 1%, 1.20%, 1.20% तक था, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि क्या हम निफ्टी के अंदर बेरिश हो सकते हैं, क्या निफ्टी ने हमारे सपोर्ट्स को तोड़ दिया। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो निफ्टी ने ब्रेक जरूर करा था, ठीक है, हमारे सपोर्ट जोन को, बट उसकी नेक्स्ट कैंडल में ही निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और वापस अपने रिकवरी जोन में, सपोर्ट जोन पे आ गया। दोस्तों, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने अभी तक अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करा है, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी के अंदर अभी भी हमें नेगेटिव होने की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा हमें कल फॉल देखने को मिले तो हम इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर जाएं, ठीक है। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं आपके लिए टारगेट्स बना के लाया हूँ, जिन टारगेट्स के लिए आप निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप टारगेट्स देखेंगे तो ये देखिए, आपकी आंखों के सामने दोस्तों टारगेट्स मैंने रख दी है स्क्रीन पे। आप इन टारगेट्स के लिए कल निफ्टी को इजीली ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। और इन लेवल्स का ब्रेक होने के बाद अगर आपको इस ब्रेक मिलेगा तो आप एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। और अपना जो फर्स्ट टारगेट है दोस्तों, अराउंड 15,527 तक का आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप दोस्तों, अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी सिर्फ यूके मार्केट है जो थोड़ा साइडवेज में पॉजिटिव है, बाकी हमारी डो जॉन्स, ठीक है, और एसजेक्स निफ्टी तो अभी भी नेगेटिव है, ठीक है, और अभी भी रनिंग मार्केट है। तो दोस्तों कल ही पता लगेगा कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होंगी कहाँ नहीं होगी। तो अभी हम सिर्फ अपने स्टॉक्स को देखेंगे। अगर दोस्तों कल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है तो भी हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो कि आपकी 15,648 की है। उसके बाद हम इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखेंगे दोस्तों। तो इन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद ही आप निफ्टी के अंदर ट्रेड लीजिएगा और एक अच्छा मोमेंटम चेज करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक इंडेक्स पे, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों मैं आपके लिए लेवल्स बना के लेके आया हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे उन्हें कॉपी कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने भी हमें कल इन लेवल्स का ब्रेक दिया तो ये हमें अराउंड 34,116 तक तो इजीली आता हुआ मिल सकता है, और एक बहुत अच्छा इंट्राडे का टारगेट तो हमें बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। बट दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें ज़्यादा आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन ना लें, ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी कल मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। तो आप इन द मनी या एट द मनी रह के ही बैंक निफ्टी में ट्रेड करिएगा, ठीक है, और एक अच्छा मोमेंटम चेस करने की इसमें कोशिश करिएगा दोस्तों। दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है वो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस आप देखेंगे दोस्तों तो एक रेंज में है, ठीक है। आज इसने हमें एक अच्छा खासा फॉल दिया, बट उस फॉल को देने के बाद भी ये एक रेंज में फंसा है, समझे आप। अगर कल हमें ये रेंज का ब्रेक देता है ना, तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है हमारा, वो सिंपल ये रहने वाला है, और ये हमारा 1:2 का टारगेट इसमें इजीली हमें अचीव हो जाएगा, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों अराउंड इस सपोर्ट जोन के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए उसके बाद एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जोन। जैसे कि इसने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे फेंक दिया, रेजिस्टेंस फेस हो रहा था इस जोन में, तो वैसे ही कल हमें अगर इसका ब्रेक मिलता है ना तो ये भी इसके लिए एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही फेस करेगा दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपको दोस्तों, आप हमारी एनालिसिस ध्यान से देखते हैं, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले आईसीआईसीआई में एक चैनल बना के दिया था, देख पा रहे होंगे। तो एक चैनल का ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ मिला था, ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम इसमें हाँ हमें अपसाइड की तरफ मिला था, ठीक है, बट उसके बाद मार्केट वापस से फॉल, जैसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए, मार्केट भी हमारा फॉल होना चालू हो गया, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें अब हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, आप देखेंगे तो इसने हमारे इस चैनल को नीचे से भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, बट हम इसमें नेगेटिव अभी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो सपोर्ट लाइन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। अगर इसका कल आईसीआईसीआई बैंक ब्रेक करता है तब हम जाके इसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं और अपना 1:1.5 का इजी टारगेट तो इसमें अचीव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस सपोर्ट जोन का आप वेट करिएगा कि ये ब्रेक हो, उसके बाद ही इसमें नेगेटिव जाइएगा आप दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे तो एक बहुत प्यारा चैनल फॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। मैं सपोर्ट जोन को रेस्ट जोन को हटा देता हूँ जरा, ये देखिए दोस्तों आप देखेंगे तो एक कितना प्यारा हमें चैनल देखने को मिल रहा है इसके अंदर। एग्जैक्ट यहीं से इसने रिजेक्शन ली, देख रहे हैं आप कहाँ एग्जैक्ट हमें कहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर कल हमें इन लेवल्स का कहीं से भी ब्रेक मिलता है ना, या तो वो नीचे की तरफ ब्रेक मिलेगा तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर एक फॉल एक्सपेक्ट इसमें हम अच्छा खासा कर सकते हैं। बट अगर मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे, ठीक है, तो और इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा ना, तो दोस्तों वेट करिएगा कि 30 मिनट्स की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के अबव सस्टेन कर जाए। अगर सस्टेन कर जाती है तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा खासा 1:2 का टारगेट अचीव हो सकता है और आप इसमें अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों बहुत छोटा रहेगा जो कि यहाँ तक के लेवल का रहेगा, और आप अपना मिनिमम टारगेट तो इसके प्रीवियस हाई तक रख के चल सकते हैं जो कि ये है, समझे दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे जो कि है जील, जी एंटरटेनमेंट में। दोस्तों आप एक चीज देखेंगे, इसमें मैं आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल लाया हूं, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा सा पीछे से आके दिखाता हूं आपको इस लेवल को, ये देखिए दोस्तों ये लेवल जील के लिए मेक और ब्रेक का लेवल है, आप देख रहे हैं। तो यहीं से ये पहले यहाँ पे ये सपोर्ट फाइंड कर रहा था पहले, ठीक है, और यहाँ से फिर इसने रेजिस्टेंस फाइंड करना चालू कर दिया, यहीं से रिजेक्ट हुआ एग्जैक्ट, ठीक है, और यहीं से फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक के बाद ये वापस इसको रीटेस्ट करने आया है दोस्तों। अगर हमें इसमें कल इसका पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, हमारे मीडिया सेक्टर भी पॉजिटिव रहते हैं और ये भी हमें अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा इसके अंदर, तो ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि अब ये ऊपर की तरफ इसको रीटेस्ट करके अपनी एक रिवर्सल मूव देगा। बट अगर दोस्तों इसने कल इस ब्रेक दे दिया और मीडिया सेक्टर भी नेगेटिव रहे तो हम इसमें एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ देख सकते हैं और इसके प्रीवियस जोन्स लेवल्स ये यहाँ तक के तक का इजी टारगेट हम इसमें फाइंड कर जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।